प्रदेश की जनता को अपने मोहल्ले और अपनी कॉलोनी में ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को जनता क्लिनिक की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जयपुर के जगतपुरा स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में पहला जनता क्लिनिक राजधानी को समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर कहा कि हमारा मकसद जनता को उसके घर के पास इलाज मिले, उसे दिन भर बड़े अस्पतालों के धक्के और लाइनों में नहीं लगना पड़े। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने जनता क्लिनिक की शुरुआत की। सरकार चाहती है राजस्थान के लोग निरोगी रहें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भामाशाह योजना में हो रहे भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए हमने इसे आयुष्मान योजना में मर्ज करते हुए महात्मा गांधी के नाम से योजना शुरू की। हमारी सरकार निशुल्क दवा योजना सहित बीपीएल और सीनियर सिटीजन के लिए एमआरआई और सिटी स्कैन जांच फ्री कर दी है। सीएम गहलोत ने कहा कि जनता क्लिनिक का काम बड़ा है, इसलिए इस योजना को सीएसआर एमएलए फंड से योजना को पूरा किया जाएगा। वीडीटीवी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए वीडीटीवी भारत, आपकी अपनी आवाज़।